फिर एक फकीर सीरत बुजुर्ग ने वजीर आजम को मशवरा दिया कि अगर बागे इरम से गुले बकावली कोई लाके देगा तो बस वही बादशाह की बीनाई लाने में कारामत साबित होगा। ऐ बुजुर्गवार, हमारी मदद कर, हमारे सरताज की बीनाई वापस आ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सजदा तो सिर्फ रब्बुल आलमीन की तरफ जायज है। मैं तुम लोगों की तरह एक गुनहगार बंदा, बताओ मुझसे क्या मदद चाहते हो? राजदारे गंजीना असरार, हमारे मुल्क के बादशाह की बिनाई हमारे मुल्क के अवाम की ताकत है। हमारे बादशाह की बिनाई को वापस लाने के लिए हमारी मदद कीजिए। जानता हूं, सब कुछ जानता हूं। तुम्हारे बादशाह की बिनाई तुम्हारे 5 शहजादों में से सिर्फ एक शहजादे की हाथ में है, लेकिन जहां पना के 5 शहजादे, इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान की बाजी भी लगा सकते हैं। बताइए क्या करना है? ओ, बहुत खूब। जान की बाजी लगा सकते हैं। जान की बाजी लगा सकते हैं। हम गफलत में अगर कुछ गलत सोच बैठे हों तो खता माफ। तुम्हारे शहजादों को एक तवील सफर पर रवाना होना है, बगैर किसी लश्कर के। दूर, बहुत दूर, शुमाल की तरफ एक बाग में, जिसका नाम है बागे इरम। बागे इरम जमीन पर एक जन्नत बेनजीर है, वादी गुलपोश, जहां हर तरफ गुलहाए रंगीन है। उन लातादाद फूलों में एक निहायत ही कम याब जिसका नाम है गुले बकावली। आपके 5 शहजादों में से सिर्फ एक शहजादे को ही उस फूल तक रसाई मिलेगी। वो फूल लाना होगा, उसी फूल में आपकी आंखों की शिफा है। मगर याद रहे, ये सफर पुर खतर भी है और पुर आजमाइश भी। भेज दो शहजादों को गुले बकावली की तलाश में। इंशाल्लाह आपके 5 शहजादों में से कोई एक शहजादा वो फूल लाने में जरूर कामयाब होगा और आपको बीनाई फिर से नसीब। बस मुझसे और कोई सवाल मत करना। तकदीर से चल सकना कुछ जो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे शहजादों,
वालेकुम अस्सलाम। आप पांचों शहजादों के लिए इम्तिहान का वक्त आ गया है। हम पांचों? हम तो सिर्फ चार हैं अब्बा हुजूर। ओहो, हम भूल ही गए कि पांचवा शहजादा महल छोड़ के जा चुका है। आप चारों शहजादों को दूर शुमाल में वाका बागे ईरम जाना होगा। ये सफर पुर खतर भी है और पुर आजमाइश भी। बागे ईरम इस जमीन पर जन्नते बेनजीर है, वादी गुलपोश जहां हजारों किस्म के फूल हैं, जिनमें निहायत ही कम याब फूल है गुले बकावली। आप शहजादों में से किसी एक को उस फूल तक रसाई मिलेगी, उसे यहां लाना होगा। इसी में हमारी आंखों की बिनाई है। क्या आप सब इस इम्तिहान के लिए तैयार हैं? हम चारों तैयार हैं। ताज को जाना है तो जाए, हम जरूर जाएंगे और आज निकल पड़ेंगे। मरहबा, आफरीन, हमें आपसे यही उम्मीद थी। ताज भी जरूर जाएगा, ऐसा हमारा यकीन है। या अल्लाह, हमारे शहजादों को हिम्मत दे। चाचा चाचा, फिर शहजादे ने क्या किया? क्या करता, वो तो अपने किए पर शर्मसार था। समझो कि वो पछतावे की आग में जुलस रहा था। वो सोचता था शायद उसकी वजह से उसके अब्बा हुजूर की बीनाई चली गई। तभी उस तवील और दुश्वार सफर पर चलता बना और अपने भाइयों की कामयाबी के लिए बस दुआएं मांगता रहा। ये ठंडी हवाएं, कुदरत के बनाई है ये हसीन नजारे, ये खुला आसमान। अगर शाही महल को इस खुले आसमान के मुकाबले रखेंगे तो कैसा लगेगा, कितना बड़ा लगेगा? कौवे के घोंसले जैसा। पर कौवे का घोंसला तो पेड़ पर रहना चाहिए, और शाही महल का वजन पेड़ कहां बर्दाश्त कर पाएगा। बैठ जाते हैं। कौन है जो हमारी फसी सल्तनत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? जाओ जाओ यहां से और किसी और का दरवाजा खटखटाओ। अरे हमारे पास तो कुछ भी नहीं सिवाय चंद रोटियों के, और ये भी हमने शाम के लिए बचा के रखी है। जाओ जाओ, बात करते हैं। लगता है वक्त के थपेड़ों ने इसे भी मेरी तरह बेघर किया है। हो सकता है ये मेरा साथी बन जाए। इसका हाल मेरे हाल से बहुत यकसा है। अपने होशो हवास खोकर हकीकत को समझ रहा है। हो सकता है ये मेरा साथी बने। ऐ अल्लाह के बंदे, कौन है आप जो अल्लाह की इस वसीह दुनिया को अपनी सल्तनत समझ बैठे? ये सल्तनत किसी की नहीं है। लोग आते हैं जाते हैं, और ये खुला आसमान सबको पनाह देता है, और हम भिखारी नहीं है, ताजुल मुलूक है, बादशाह जैनुल मुलूक के बदनसीब शहजादे।
ताजुल मुलुक, आइए 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 शहजादे आइए। या अल्लाह, शहजादे ताजुल मुलुक आप हैं जहां पना ज़ैनुल मुलुक के पांचवे शहजादे, शहजादे ताजुल मुलुक। और मैं एक अदना सा शख्स जो आपके वालिद मोहतरम का खादिम हूँ, जी वो मुझे महल से खारिज कर दिया गया, बस तब से दरबदर भटक रहा हूँ ये दौजखी पेट लिए। आपको भूख लगी होगी ना, आइए आइए बैठिए, ये मैंने कुछ रोटियां बचा के रखी थी शाम के लिए, आइए बैठिए बैठिए, लीजिए हुजूर लीजिए लीजिए, ये लीजिए खाइए, लीजिए लीजिए हुजूर, ये रोटियां मैंने शाम के लिए बचा के रखी थी, हाँ हाँ खाइए। आपका ये एहसान हम कैसे चुकाएंगे, खाइए खाइए आप। हम एक बहुत ही अहम काम के लिए निकले हैं, अगर आप चाहें तो हमारे हमराह चल सकते हैं। हमें अच्छे से मालूम है कि आप और आपके भाई गुले बकावली की तलाश में निकले हैं, और हम चाहते हैं कि ये नेक काम आपके हाथों से ही अंजाम पजीर हो, और ये नाचीज बंदा पूरे सफर में आपके हमराह रहेगा। हमें निहायत खुशी होगी अगर हमारे भाई ही इस काम को अंजाम दे। हमारा तो मकसद ही यही है कि जहां पना की बिनाई वापस आ जाए, बस हमें मरहबा और तहसीन की कोई ख्वाहिश नहीं। आप ही इस काम को अंजाम दे सकते हैं हुजूर, क्योंकि आपके दिल में कोई खोट नहीं, और नेक काम तो खुदगर्जी के साथ किया ही नहीं जा सकता, है ना। और जहां तक रहा हमारा सवाल, मैं तो कदम कदम पर आपको अपनी जराफत से शाद रखने की पूरी कोशिश करूंगा हुजूर, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं और ना ही कुछ कर सकता हूँ। तो से कलम की मेहरबाने यूं लाती है रंग बदतराजी, यक चंद फिरा महल से बहुत दूर निकल चुके हैं, 3 रातों और 4 दिनों से मुसलसल चलते जा रहे हैं, कितने नए गांव और शहर देखे, जंगलों और रेगिस्तानों से गुजरे, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरा भी यही ख्याल है, हम यही कहीं खीमा गाड़ कर अपनी थकान दूर कर लें। कहते हैं लोग यहां से वादी गुलपोश बहुत दूर है, कब तक चलते रहेंगे, मेरे बस में होता तो मैं यहीं से वापस अपने वतन चला जाता। हाँ मेरा भी यही ख्याल है, नहीं हासिल कर पाएंगे हम गुले बकावली को। बुरा हो उस मनहूस ताज का जिसकी एक गलती से आज ये दिन देखना पड़ा, मर गया होगा कहीं, सोचा था हमारे साथ चला आएगा। क्या कहते हो आकिल, वो अपनी तिफलगी में अभी भी बेहुदा हरकतों में मशगूल है, अरे इतना दुश्वार सफर तय करने की उसमें ताकत नहीं है। लाड प्यार ने ताज को खराब किया है, इतना कुछ होके भी हमारे वालिद मोहतरम उन्हीं से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अफसोस अफसोस इसी बात का है। लगता है हमारे किबला ताज को अपना जानशीन चुनना चाहते हैं, और हम चारों भाइयों को बेदखल।
हमें इसकी कोई ना कोई सबेल तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो आकिल, मैं भी कई बार इस नतीजे पे पहुंचा हूं। देखते हैं हमारी तकदीर हमें कहां ले जाती है। अगर हम वादी गुलपोश में रसाई कर बैठे और गुले बकावली ले आए तो किबला अब्बा हुजूर अपना इरादा तर्क करके हम चारों में अपनी सल्तनत मसावी तौर तकसीम कर लेंगे। थोड़ा इंतजार और करना होगा। फिलहाल ताजुल मुल्क तर तर की ठोकरें खा रहा होगा। और मैंने सिपा सालार से कहा है कि उससे महल के अंदर आने न दे, न जाने कहां होगा वो। लेकिन किबला, जहां पना ने वजीर आजम को हुक्म दिया है ताजुल मुल्क को तलाश करके महल में वापस लाया जाए, क्या पता वो महल में ऐश कर रहा हो। अब शाम होने को आई है और कुछ खा पी के आराम कर लेते हैं। तुलुए आफ्ताब से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा और हमारे काफले का एक दस्ता नदी पार कर चुका होगा। उन लोगों ने हमारे ताम का इंतजाम भी किया होगा। चलिए चलिए खेमे में आराम कर लेते हैं। चलिए चलिए। दहकान ब्रादर, जरा हमारी बात सुनिए। लगता है आप इस शहर में अजनबी हैं, किसी सफर पे जा रहे हैं क्या? हाँ, हम मुसाफिर हैं। मंजिल हमारे जहन में है लेकिन राह मालूम नहीं। सफर खुद ब खुद मुसाफिर है हुजूर, हर मंजिल नए सफर का आगाज है। आप घर बैठे भी मुसाफिर हैं हुजूर। कहाँ जाना मत तो बोलिए, हो सकता है मुजनाची से आपको कोई मदद मिल पाए। और आपके हमरा ये जो आपका साथी है ना, बड़ा जीरक मालूम होता है। जेर की हमें भूख से बचाती है हुजूर, जेर की तो हमारी रोजी रोटी है। आप कुछ देर के लिए चुप रहेंगे? जी हुजूर। है दहकान बरादर, हमें वादी गुलपोश जाना है। क्या रास्ता यहीं से जाता है? बिल्कुल सही है, सफर दराज है और फरेब के जाल हर कदम पर आपका इम्तिहान है। आप अपनी सलामती का ख्याल रखिएगा, बहुत दुश्वार सफर है, नहायत पुर खतर। मगर एक बात बताइए कि शहर में सब लोग परेशान क्यों हैं? क्या किसी जंग की तैयारी हो रही है? इंसान की रगों से खून बाहर खुली हवा में निकलकर सांस लेना चाहता है हुजूर। कहते हैं जिले लाई बिनाई से महरूम हुए हैं, सल्तनत के दुश्मन होशियार हुए हैं। इधर जिले इलाही के चार शहजादे इसी रास्ते से आगे निकल चुके हैं, उन्हें भी वादी गुलपोश जाना है। जिले इलाही के आंखों की बिनाई के लिए किसी तिलिस्माती फूल की तलाश में और यहाँ शहर में सबको जंगी तरबियत लेने का हुक्म हुआ है। शुक्रिया मेरे बरादर, शुक्रिया, आपने हमें इतनी मालूमात फराहम कराई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं, हमें दुश्वारियों को जेर करने की आदत है। चलिए मेरे आका, चलिए, हमें उस चीज़ की तलाश है जो नहीं है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, जो हमेशा मौजूद है। आका चलिए। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, नहीं है पर वो मौजूद है? मुस्तकबिल आका, मुस्तकबिल। आपकी जेर की भी। मेरे सरताज, आप इस तरह से परेशान मत रहिए, आपकी परेशानी हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाती। आपकी परेशानी हमारे पूरे रैयत की परेशानी है। इंशाअल्लाह हमारे शहजादे अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। मलिका, हम अपने दर्द से परेशान नहीं हैं, हमारी परेशानी का बाहिस कुछ और है। आप अपनी सारी परेशानी हमें बताइए, इससे आपके दिल का बोझ हल्का होगा
बताइए। मलिका, आप तो जानती हैं कि हम अपने नूरे चश्म ताजुल मलूक से दीवानगी की हद तक मोहब्बत करते हैं। ना जाने किस हाल में होगा हमारा ताज। अल्लाह उस पे मेहरबान हो, हमें अपने चारों शहजादों के एतबार में बदनीयती नजर आती है। वो सब हस्त की आग में चल रहे हैं। मेरे सरताज, ऐसा ख्याल करना भी गुनाह है। आप जिल्ले इलाही हैं। अल्लाह ने आपको एक जिम्मेदारी अता की है। आपकी उम्र दराज हो, जब तक आप हयात हैं, तब तक अपनी जिम्मेदारी से सबक दोष होना गुनाह अजीम है। आपको अपनी जिम्मेदारी अपने पूरे सलाहियत के साथ निभानी होगी। कितने लाचार होते हैं साहिबे इख्तदार लोग, हम कितने मुफलिस हैं। सारे जहां का गम अपने शानों पर लेके, अपने दुख दर्द को फरामोश करके हर लम्हा मरते हैं। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो दिन भर मेहनत करके अपना पेट पालते हैं और हर परेशानी से आजाद होकर जीते हैं। मगर हमारे नसीब में आराम कहां।